केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। आज के लेक्चर में हम डिटेल में पीरियोडिक ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर कवर किया गया था। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक जो टर्म है, ये पीरियड से, ये पीरियोडिक, इसका मतलब होता है रिपीट करना। कोई चीज़ अगर कंटिन्यूअस हो रही हो, रिपीटेडली हो रही हो, तो हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस, ठीक है। और ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है कोई पैटर्न फॉलो करना, टू फॉलो अ पैटर्न। मतलब पैटर्न फॉलो करने का मतलब है कोई रेगुलरिटी होना किसी चीज़ के अंदर। मसलन मैं कहता हूँ कि वन के बाद टू के बाद फोर, अब फोर के बाद सेवन, वन और टू में वन का गैप है, टू और फोर में टू का गैप है, एंड फोर और सेवन में थ्री का गैप है। बेसिकली अब ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है, तो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, वो कंटिन्यूसली ट्रेंड्स फॉलो हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा आपने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो कि न्यू लैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेजेंट किया था। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था कि पीरियोडिक टेबल का हर एट्थ एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है, एवरी एट्थ एलिमेंट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का हर एट्थ एलिमेंट जो है, यहाँ पे वन टू थ्री, जो सेवन के बाद एट्थ आ जाता है, वो प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स दो चीजों के अंदर। फर्स्ट चीज जो होगी वो हमारे पास होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं किसी चीज का, किसी चीज का साइज क्या होता है, वेट क्या होता है किसी चीज का, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको कहते हैं हम, ये फिजिकल होती हैं। और केमिकल क्या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्टिविटी कह लो आप, या आप कह लो कि कंपोजिशन। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप कब पढ़ोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज आप थ्रू आउट दिस बुक हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते रहोगे। फॉर एग्जांपल, आपके आप आगे आने वाले चैप्टर्स जो होंगे उसमें आप अल्कली मेटल्स पढ़ोगे, अल्कली अर्थ मेटल्स पढ़ोगे, तो रेगुलरली आप केमिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक साइज से या एटॉमिक रेडियस से। अब एटम का जो साइज होता है हम उसको रेडियस, हम एटम का मेजर करते हैं और वो एक एटम का साइज डिटरमिन करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एटम, कोई एक एटम लेते हैं, हम एटम ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। सो 7 प्रोटॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसका एटम देखने में कैसा होगा? एक इसमें न्यूक्लियस, देन फर्स्ट शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद सेकेंड शेल जिसके अंदर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। कितने आएंगे इसमें? टोटल कितने थे? 7, 2 यहाँ पे आ गए तो इसमें आ जाएंगे 5, 2, 4 एंड 5, राइट। आपके ख्याल में, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या एक एटम देखने में ऐसा होता है? लेट से आप, टेक्नोलॉजी अब इतनी लेट से एडवांस हो गई है, आप अगर एक एटम को किसी मशीन के थ्रू देखते हो तो क्या आपको वो ऐसा दिखाई देगा? नो, आंसर इज नो। आंसर जो एटम होता है वो ऐसा हरगिज नहीं होता। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? जो तो आप अभी तक पढ़ रहे थे वो सब क्या गलत था? नॉट एग्जैक्टली, बस किसी हद तक वो गलत था। एक एटम जो होता है, आप अभी तक पढ़ चुके हो, एस
पी डी और एफ सब शेल्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, ऑर्बिटल्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। इनकी शेप्स कैसी होती हैं? इनकी शेप्स एस शेल की यूं होती है, एंड देन पी की आपके पास पी एक्स, पी वाई, पी जी, एंड देन आपके पास जो बाकी डी होते हैं, डी आपके पास बहुत सी डिफरेंट शेप से कॉन्स्टिट्यूट होता है। और फिर आपके पास जो एफ सब शेल्स होते हैं वो आपके पास और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं, लाइक आपका एक एफ सब शेल यूं होता है। अब एक एटम कभी भी अपनी स्टैटिक पोजीशन में यूं नहीं होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो करने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अभी इस पोजीशन में हैं। एक एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड्स के साथ वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जिस बात का मतलब ये हुआ कि एटम को आप देखते हुए कभी भी ऐसे नहीं देख सकते। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज टू, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 1s से बिलोंग करते हैं, ठीक है? और 1s की शेप कैसी होती है? ऐसी। जो नेक्स्ट टू होंगे वो 2s से बिलोंग करेंगे, और 2s थोड़ा इस तरह का होता है देखने में। दिस वॉज 1s, दिस इज 2s, एंड देन उससे जो नेक्स्ट दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2px के अंदर जाएंगे, और 2px देखने में कैसा होता है? लाइक दिस। एंड देन उससे जो नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2py में चले जाएंगे, जो देखने में ऐसा होगा, और उससे नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला जाएगा, ठीक? तो यूं आपके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। एम आई राइट? नहीं, यूं तो टोटल 9 हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 1, 9। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बल्कि 2py के अंदर हम कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट? सो आपके पास टोटल आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, और हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के एटम की। अब जब शेप्स शेल्स की यूं होंगी तो आपके ख्याल में एटम क्या देखने में यूं होगा? नो, आपके एटम का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो कोई वेल डिफाइंड नहीं होती। आपके एटम की, लेट से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक एटम देखने में बाहर से ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कुछ, आप शायद फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई शेप देख रहे होगे, वो कुछ इस टाइप की चीज़ होती है। आप उसमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कौन सा उसका वैलेंस शेल किस पोजीशन में होगा एक्यूरेटली। सो हम एटम के साइज को अब कैसे डिटरमिन करते हैं? हम ये कहते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम का, जो आउटर मोस्ट आपकी एक बाउंड्री, लाइक ये एक बाउंड्री बन रही है जिसके अंदर आप इनक्लोज कर रहे हो इस पूरे एटम को, इसको आप डिफाइन करोगे वैन डर वॉल्स रेडियस। अब ये वैन डर वॉल्स रेडियस कहाँ से आ गया? एक्चुअली आपके तीन किस्म के रेडियस होते हैं जब भी आप एक एटम की बात करते हो। एक होता है आपका वैन डर वॉल्स रेडियस, दूसरा होता है आपका आयनिक रेडियस, और तीसरा आप बात करते हो कोवलेंट रेडियस की। वैन डर वॉल्स रेडियस क्या होता है? इसका मैंने आइडिया भी आपको दे दिया कि अगर आप इमेजिन करो कि एक एटम एक स्टैटिक फॉर्म के अंदर है, और अगर उसके बाहर एक शेल उसको इनक्लोज कर दे, तो उस शेल का, वो शेल क्या होगा? एक सफियर होगा ना, इट वुड बी अ सफियर। अब इस सफियर का मीन रेडियस जो होगा फ्रॉम द सेंटर, इसको आप डिफाइन करोगे ये आर वैन डर वॉल्स, आर डब्ल्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो ये आपका वैन डर वॉल्स रेडियस हो जाएगा। आयनिक रेडियस आप कैसे डिफाइन करते हो? आयनिक रेडियस ये होता है कि लेट से किसी एटम के अंदर से कोई एक आयन, वैसे आप यही कहते हो ना कि लेट से आपके पास एक सोडियम एटम है, अगर आप इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है? या आप क्लोरीन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये क्लोरीन आयन बन जाएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन, राइट? अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो आपके ख्याल में इससे प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा, इसका जो एटम की शेप है वो चेंज हो जाएगी। लेट से सोडियम का एटम रेडियस, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 2, 4, 6 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज टोटल आपके पास 11 ऑर्बिट्स होते हैं। अब अगर आपके ख्याल में
हम ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लाइक ये वाला इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, तो आपका जो एटम का रेडियस है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा शेल ख़त्म हो रहा है तभी इसका रेडियस कम हो। आप जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल Mg+2, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हो Mg मैग्नीशियम एटम की। मैग्नीशियम एटम के अंदर से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वो बन जाएगा Mg+1+1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से मैग्नीशियम का एटम देखने में कैसा होगा? टू इलेक्ट्रॉन्स, 2, 4, 6, 8 एंड देन 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, दिस इलेक्ट्रॉन लेट से, तो इसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा? इसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रीजन बीइंग, इसकी रीजन ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के गिर्द कम होते हैं उतना न्यूक्लियस को इजीली उसको अट्रैक्ट करता है बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, या आप यूँ कह लो कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना वो एक दूसरे को शील्ड कर रहे होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे न्यूक्लियस उतने कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा और वो क्लोज आ जाएंगे टू द न्यूक्लियस। तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो एक एटम का जो रेडियस है वो कम हो जाता है। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन एटम की बात करता हूँ, न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन एटम हैज एटॉमिक नंबर 17, तो मतलब पहले में 2 आ गए, नेक्स्ट में 2, 4, 6, 8 एंड इससे नेक्स्ट में 2, 4, 6, 7, टोटल 17 हो गए आपके पूरे। अब अगर आप एक फर्दर इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल देते हो एक्स्ट्रा यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको आइडिया होगा कि एक एटम के गिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली एक पूरा क्लाउड बना रहे होते हैं। इनकी शेप बेसिकली सर्कुलर तो नहीं होती ना, ये रैंडमली डिस्पर्स्ड होते हैं मुख्तलिफ पोजिशन में और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आएगा उसकी वजह से रिपल्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से होगा क्या कि एक एटम का साइज इंक्रीज कर जाएगा, राइट? सो साइज ऑफ एन एटम एक्चुअली इंक्रीजेज जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया जाए। सो एक पेरेंट एटम से जब आप एनाइन में जाते हैं, यानी आप नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, तो साइज इंक्रीजेस। एंड जब आप एक केटाइन बना देते हैं उस पेरेंट एटम से तो साइज डिक्रीजेस। इसके बाद लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस ये होता है कि जब आपके दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल ऐसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है या क्लोरीन क्लोरीन के साथ, Cl Cl एक बॉन्ड है यानी Cl2। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी, अगर आप उसको 1/2 ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ कंसिडर करो तो वो बेसिकली कोवलेंट रेडियस होगा। कोवलेंट रेडियस के लिए एक चीज आपने याद रखनी है कि एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से आप मैयर करते हो, यूजिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप O2 की बात करते हो, O2 वो ऐसे होता है, इसमें जो दरमियान का डिस्टेंस को अगर बॉन्ड लेंथ को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास कोवलेंट रेडियस नहीं आएगा, ठीक है? सो दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कोवलेंट रेडियस होता क्या है। अब इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू कि आप ये मैयर कैसे करते हो। वैंडरवॉल्स रेडियस मैयर करने के लिए आप एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी यूज़ करते हो, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एनालिसिस, एंड देन आप
कोवलेंट रेडियस मेजर करने के लिए आप एक्सरे डायफ्रेक्शन यूज करते हो, एक्सरे डायफ्रेक्शन एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोमेट्री। ये बहुत मुश्किल मुश्किल टर्म्स लग रही हैं ना, बस इनको आपने याद नहीं करना। आप बस मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि बहुत एडवांस लेवल की स्टडीज़ होती हैं एटॉमिक स्केल पे, जिससे हम इनका साइज़ मेजर करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये कि अभी तक इस पे रिसर्चेज हो रही हैं, रिसर्च इज स्टिल ऑन, कि हम एग्जैक्ट एटम का रेडियस मेजर कर सकें। ठीक है, एग्जैक्ट आयनिक रेडियस, एग्जैक्ट कोवलेंट रेडियस, बिकॉज इन डिफरेंट टेक्निक्स से हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आपके पास एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम का वैंडरवॉल्स रेडियस होगा, ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक स्केल पे बात कर रहे हो, इसका वैंडरवॉल्स रेडियस होगा 1.57 आंगस्ट्रॉम्स। डू यू नो व्हाट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग? आंगस्ट्रॉम जो होता है बेसिकली वन आंगस्ट्रॉम, आंग स्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-10 मीटर्स। सो इट इज 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 10^-1 इन मीटर्स। ठीक है, और जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो सोडियम के अंदर से, तो वो एक केटाइन बन जाता है। और इसका रेडियस कितना होता है? एक केटाइन का रेडियस होता है 0.95 आंगस्ट्रॉम्स। लाइक आई टोल्ड यू कि इसका रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर एक फ्लोरीन एटम है, इसका रेडियस होता है आपके पास नॉर्मली 0.72 आंगस्ट्रॉम्स। और एक एनाइन का रेडियस, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम का रेडियस डबल हो जाता है, यानी अगर देखने में एटम पहले इतना था तो बाद में वो ऑलमोस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालने की वजह से। ठीक है, इसके बाद ये मैं आपको कुछ ट्रेंड्स दिखाता हूँ। ये देखें, पीरियोडिक टेबल में आप जब लेफ्ट से राइट साइड पे आते हो तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होता है ना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आता जा रहा है। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से होता यह है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज कर जाएगा तो उससे होता यह है कि न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ, मोर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे होगा क्या कि एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा। आप देख लो हर शेल के अंदर आपका साइज रिड्यूस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जो भी एलिमेंट है उसका साइज ज्यादा है, और फिर राइट साइड पे आप जू जू आगे आते जा रहे हो तो आपके साइज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। नॉर्मली ये तो मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स आपको शो किया है ना, ये 1s है, ये 2s है, एंड देन 1a, 2a, एंड देन 3a अप टिल 8a, राइट। सो ये तो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जो आपके लेंथेनाइड्स होते हैं ना, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, चूंकि वो बहुत ही लंबे लंबे ग्रुप्स होते हैं तो उनके अंदर ये प्रोसेस बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिर लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन। ठीक है, आप टॉप से बॉटम पे अगर गौर करो, आप ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो आपकी क्या चीज बढ़ या कम हो रही है? आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका साइज बड़ा होता जा रहा है। इसकी रीजन बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का हर पीरियड आपको एक नए शेल की तरफ लेके जा रहा होता है। हर पीरियड में लाइक आप नियॉन से जब सोडियम पे जंप करते हो तो आप टू, आपका जो शेल है ना वो खत्म हो जाता है, फिर आप यहाँ पे 3s में आ जाते हो। सिमिलरली जब आप आर्गॉन से पोटेशियम पे आते हो तो आपके पास यहाँ पे आप डायरेक्ट जंप कर जाते हो। आर्गॉन एटॉमिक नंबर इज 18, पोटेशियम इज 19, और आर्गॉन का आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो होता है 2, 3 पी, और आप पोटेशियम पे जब आते हो तो बेसिकली आप 4s में आ जाते हो। ठीक है, तो बेसिकली 4s, 5s, 6s, यहां पे एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है। उस एक्स्ट्रा शेल की एडिशन की वजह से टॉप से बॉटम आप जब भी आते हो आपका साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम
इंक्रीज इन रेडियस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा शेल. बेसिकली आपका जो आयनिक रेडियस होता है ना, आयनिक रेडियस और जो आपका नॉर्मल रेडियस होता है या आपका जो कोवेलेंट रेडियस होता है, इसका ट्रेंड सेम होता है किसी एक पीरियड या किसी एक ग्रुप के अलोंग. ठीक है, वो ट्रेंड अभी आपने देखा कि आयनिक रेडियस जो होता है या एटॉमिक रेडियस, अभी आपने एटॉमिक रेडियस देखा था सिंपली, जो वैन डर वाल्स रेडियस था, वैन डर वाल्स रेडियस. ये मैं आपको बता दूं इसको वैन डर वाल्स रेडियस क्यों कहते हैं. वैन डर वाल्स वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये रेडियस फर्स्ट टाइम मैयर किया था. ठीक है, कैसे मैयर किया था उन डिटेल्स में हम अभी नहीं जाएंगे. वैन डर वाल्स रेडियस जो होता है वो लेफ्ट से राइट साइड पे डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जो होता है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, और इसी तरह आप कह सकते हो कि आयनिक रेडियस का भी एग्जैक्टली सेम ट्रेंड होता है और कोवलेंट रेडियस का भी एग्जैक्टली सेम ट्रेंड होता है. ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ अगर समझना चाहते हो, ये आपके पास मुख्तलिफ एटम्स हैं, इनके आइंस हैं. फॉर एग्जाम्पल